नमस्कार, लोबिसेस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम खट्टी मीठी इमली की चटनी बना रहे हैं, जो समोसा, चाट या दही बड़े के साथ खाते समय यूज कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ हमने चटनी बनाने के लिए 200 ग्राम इमली ली है। मार्केट में एकदम इजीली मिल जाती है। ये मैंने अच्छे से धोकर साफ करके 2 घंटे पानी में भिगो कर रखे है। अगर आपको जल्दी हो तो गर्म पानी में आधा घंटे में भीग जाती है। और 200 ग्राम इमली के लिए यहाँ मैंने 6 खजूर लिए है। इसे पानी में उबाल लिए है और इससे अब इसके बीज आसानी से निकल जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसके बीज इतने आसानी से निकल जाते हैं। अब हम हमारी भीगी हुई इमली और 1 खजूर साथ में मिक्सी में बारीक कर लेते हैं। इस इमली के भी बीज हमने निकाल लिए हैं। अब खजूर भी इसके साथ बारीक कर लेते हैं। कभी कभी हमारे घर में खजूर नहीं रहते तो उस टाइम आपने सिर्फ इमली की चटनी की तो भी चलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इमली का पल्प कैसे इमली से अलग हुआ है। अब हम इसे छलनी से छान लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लेकर छानेंगे। इमली हमारे सब छान के हो गई है। अब ऊपर से थोड़ा पानी डालते हैं और इसे फिर से निकाल लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इमली के धागे वगैरह कैसे निकले हैं। नीचे हमारी सॉफ्ट इमली की पेस्ट तैयार है। ये थोड़ी गाढ़ी है तो इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डालते हैं और इसे थोड़ा पतला बनाते हैं, क्योंकि हमें इसे उबालना है। पानी भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, फिर इसे उबाल लेते हैं। अब इसे हम 3 से 4 मिनट उबालने देंगे। अगर हमें थोड़ी गाढ़ी लगे तो हम थोड़ा पानी फिर से डाल सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें जैसे चाहिए वैसे रख सकते हैं। इसको उबाल आने देते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब 200 ग्राम इमली है तो हम 150 ग्राम गुड़ लेंगे। गुड़ को भी चटनी में थोड़ा पिघलने देंगे, तब तक इसे 1 से 2 मिनट उबाल आने देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि चटनी का कलर भी चेंज हो गया है, गुड़ भी हमारा पिघल गया है। अब गुड़ से आधा यानी कि 150 ग्राम हमने गुड़ लिया था, तो उससे आधी 75 ग्राम चीनी लेंगे। ये दोनों कॉम्बिनेशन से क्या होता है, मार्केट में जो इमली की चटनी रहती है वैसी एकदम इसका टेक्सचर बनता है, कलर भी बनता है, टेस्ट भी बनती है। तो हमेशा गुड़ और चीनी का कॉम्बिनेशन ही इस चटनी के लिए लिया तो इमली की चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छा उबाल आने देते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चीनी भी पिघल गई है। आप देख सकते हैं चटनी का कलर भी एकदम अच्छे से आया है। अब हम इसमें थोड़े मसाले डालते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा स्वादानुसार नमक। नमक इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। अब इसे भी थोड़ा सा उबाल आने देते हैं ताकि मसाले चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस चटनी में हमने एकदम कम मसाले डाले हैं, क्योंकि हमें एकदम ओरिजिनल फ्लेवर चाहिए इस चटनी का। अगर आपको पसंद हो तो आप सौंफ पाउडर डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, लेकिन चाट में ऐसे ही ओरिजिनल फ्लेवर वाली ही इमली की चटनी यूज़ करते हैं। और दाबेली जब हम बनाते हैं तब भी ऐसे ओरिजिनल फ्लेवर वाली चटनी अच्छी लगती है। चटनी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, मार्केट जैसे ही कलर आया है। इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब इसे आप एयरटाइट बोतल में भरकर 3 से 4 महीने आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। पानीपुरी में, भेल में चटनी थोड़ी पतली होती है, तो उस समय इस चटनी में हम थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं और कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। मीठा कम लगे तो थोड़ी पिसी हुई चीनी भी हम डाल सकते हैं, मीठा भी एडजस्ट कर सकते हैं। यह चटनी हमारी तैयार हो गई है। आप भी ऐसी चटनी बनाइए और खट्टे मीठे मजे लीजिए। धन्यवाद।